नमस्कार। आज हम बनाएंगे बंद गोभी के पराठे। तो ठंड में ज़्यादातर पराठे ही अच्छे लगते हैं। बंद गोभी, फूल गोभी के पराठे तो ठंड में अच्छे लगते हैं। वैसे मिलते तो हर समय हैं, लेकिन अच्छे ठंड में लगते हैं। तो ये मैंने आधा किलो बंद गोभी लिया है, और ये जो कद्दूकस है, इसे ये जो छोटे वाले हैं इनसे तो नहीं, लेकिन ये जो सबसे बड़े वाले आते हैं ये, इससे मैंने कद्दूकस कर लिया है। धो के अच्छे से फिर बंद गोभी को कद्दूकस कर लिया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बंद गोभी को हम 2 चम्मच तेल डाल के भून लेंगे। केवल 2 चम्मच तेल डालेंगे, ज़्यादा नहीं। तो हम डालेंगे 1 चम्मच साबुत जीरा। तो अब इसके बाद डाल देंगे बंद गोभी जो हमने भून के रखा था। इसको अच्छे से चला लेंगे। पहले थोड़ा सा इसका पानी जल जाए, 2 से 3 मिनट ऐसे मीडियम फ्लेम पे पकने देते हैं। उसके बाद बाकी चीज़ें हम ऐड करेंगे, इसमें बाकी चीज़ें डालेंगे। तो इसका पानी देखिए थोड़ा सा पक भी गया है, और पानी भी इसका आधा जल चुका है। तो अब इस पर हम डाल देंगे मसाले। ये हमने जीरा और काली मिर्च को भून के पाउडर बना लिया है। पराठे में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इस छोटे से चम्मच से 1.5 चम्मच डाल रही हूँ मैं। ये तीखी लाल मिर्च, छोटे चम्मच से 1 चम्मच तीखी लाल मिर्च, और साथ में डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। मसाले में आप गरम मसाला या धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन पराठे में फिर वो मसाला से थोड़ा ज़्यादा ही हैवी हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा लाइट बनाती हूँ। बहुत अच्छा लगता है टेस्ट में। तो अब हम इसको अच्छे से पकाएंगे, भुनेंगे, जब तक इसका पूरा पानी नहीं जल जाएगा। साथ में डाल देंगे कटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च थोड़ी तीखी कम है, इसलिए मैं पूरे तीन चार मिर्ची काट के डाल रही हूँ। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। मैंने इतना इसको भून लिया है कि इसका पूरा पानी, देखिए ऐसे दबा के चेक करें तो पूरा पानी जल गया है। तो ऐसे ही अच्छे से भून ले, अगर पानी रहेगा तो पराठे हमारे फट जाएंगे, नहीं पकेंगे। तो अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, और ये जब ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इसमें धनिया की पत्ती डालेंगे। तो देखिए ये बिल्कुल हल्का सा गुनगुना है, बिल्कुल ठंडा हो गया है। तो थोड़ा थोड़ा गुनगुना है, तब इसमें धनिया की पत्ती डाल देंगे। धनिया की पत्ती ठंड है तो मिल जाता अच्छे से, तो मैंने अच्छे से ही डाल रही हूँ, थोड़ा ज़्यादा ही डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तब इसको रख देंगे साइड में। तो मैंने आटा पहले ही गूंद के रख दिया था आधे घंटे के लिए। तो बिल्कुल देखिए, बिल्कुल कहते हैं ना वो पराठे जैसे हम बनाते हैं, तो थोड़ा सा नरम आटा चाहिए। बिल्कुल नरम है तभी बनेंगे पराठे। हाथ बिल्कुल चिपक रहे हैं, तो आटा लगा लेते हैं पहले। तो हाथ पे हल्का सा आटा लगा लेंगे, उसके बाद नहीं चिपकेगा। फिर सूखे आटे में डाल के ही हम इसको ऐसे कटोरी जैसे बनाएंगे। ऐसे से आप फिंगर से और अंगूठे से ऐसे करेंगे तो देखिए कटोरी जैसे बन जाएगा। फिर इसके अंदर आपको जितना भर सकते हैं, आप अगर कम भर के खाना चाहें, लेकिन थोड़ा ज़्यादा भरेंगे तभी अच्छा मतलब टेस्ट आता है अंदर से फिलिंग की। तो कम डालेंगे तो सिर्फ आटे की आएगी टेस्ट, सिर्फ आटा खा रहे हैं ऐसे लगेगा। तो देखिए ऐसे करके ऐसे घुमा के इसको बंद कर देंगे। सूखा आटा लगाएंगे, सूखे आटे में लपेट के थोड़ा थोड़ा हाथ से ऐसे कर देंगे। तो अब हल्के हल्के हाथों से हम इसको बढ़ाएंगे सूखे आटे में, जैसे लगेगा वैसे सूखा आटा हम इस पर एक्स्ट्रा लगा लेंगे। हर तरफ से ऐसे करते हुए बढ़ाते हुए। तो चलिए फिर इसको पका लेते हैं। देखिए इतना मोटा मैंने रखा है। तवा हमारा गरम हो गया, तवे पे डाल देंगे। एक तरफ से हल्का सा सिक जाए इसको ऐसे घुमा देंगे दूसरे साइड। अब इसके साइड तेल या घी आप जो भी लगाना चाहें लगा लीजिए। दूसरे साइड भी देखिए हल्का सा सीख गया, तो इस साइड भी हम तेल लगा लेंगे।
देखिए जैसे तेल लगाएंगे ऐसे दबाएंगे हमारे पराठे फूल जाएंगे। तो हर तरफ से ऐसे दबाते हुए इसको जिस तरफ नहीं फूला है फूले हुए साइड ऐसे दबाएंगे तो ये फूल जाएगा। दोनों साइड अच्छे से सेक लेंगे। देखिए बिल्कुल बलून के जैसे फूले फूले ऐसे गोभी आप अच्छे से अगर भूनेंगे तो ऐसे बलून के जैसे फूले फूले हमारे पराठे बनेंगे। तो बस ऐसे ही हम सारे पराठे को बना लेते हैं। तो कैसी लगी मेरी गोभी के पराठे की रेसिपी ज़रूर बताइएगा। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।